गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू देने वाले मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पंजाब एसआईटी की टीम ने जांच के बाद सबूत दिए हैं कि जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ये इंटरव्यू हुआ था। जूम ऐप के जरिए एक टीवी चैनल से जुड़कर लॉरेंस ने इंटरव्यू दिया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने राजस्थान पुलिस को इसके सबूत सौंपे हैं। इसके बाद शुक्रवार रात जयपुर के लालकोटी थाने में ये केस दर्ज कर दिया गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने फरवरी 2023 में जेल में बंद रहने के दौरान एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। मामले की जांच को लेकर कोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस ने पहली एफआईआर, आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में, तो वही दूसरी एफआईआर जनवरी 2024 में दर्ज की थी। दरअसल मार्च 2023 में लॉरेंस के दो इंटरव्यू सामने आए थे। लॉरेंस उस समय 21 दिन जयपुर पुलिस की कस्टडी में था। एसआईटी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब हाईकोर्ट में दो में से एक इंटरव्यू राजस्थान की किसी जेल में होने की बात कही थी। जनवरी 2024 में दर्ज दूसरी एफआईआर की जांच में पता चला कि इंटरव्यू के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। अगस्त 2024 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एसआईटी हेड प्रबोध कुमार को राजस्थान डीजीपी को इसके सबूत देने के निर्देश दिए थे। इसी जांच के आधार पर जयपुर में केस दर्ज हुआ है। दरअसल जयपुर के जी क्लब फायरिंग केस में जवाहर सर्किल थाना पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को 15 फरवरी को जयपुर लाई थी और यहां लॉरेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 16 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया था। लॉरेंस 2 मार्च तक जवाहर सर्किल थाना पुलिस की कस्टडी में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा था। पुलिस ने व्यापारियों से रंगदारी मांगने और जी क्लब फायरिंग केस के मामले में लॉरेंस से पूछताछ की थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने लॉरेंस से रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और अरविंद बिश्नोई के बारे में भी जानकारी जुटाई थी। बठिंडा जेल में शिफ्ट होने के बाद 14 और 17 मार्च को एक निजी न्यूज चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू प्रसारित हुए थे। ये इंटरव्यू सामने आने के बाद पंजाब पुलिस और बठिंडा जेल प्रशासन के होश फौकता हो गए थे। गैंगस्टर बिश्नोई के जेल से प्रसारित हुए इंटरव्यू को गंभीर घटना बताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इंटरव्यू की सुविधा देने वाले अधिकारियों की पहचान करने और उन पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश पर मार्च 2023 में एसआईटी का गठन कर दिया गया था। पंजाब पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक, विशेष कार्यबल और एडीजीपी जेल की दो सदस्यीय समिति भी बनाई गई थी। लॉरेंस बिश्नोई का पहला इंटरव्यू 14 मार्च को ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसमें लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करवाने की बात कबूल की थी। लॉरेंस का इस इंटरव्यू के दौरान कहना था कि मूसेवाला सिंगिंग के बजाय गैंगवार में घुस रहा था और उसके कॉलेज फ्रेंड अकाली नेता विक्की मिट्टूखेड़ा के कत्ल में भी मूसेवाले का हाथ था और इसीलिए उसे मरवा दिया। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये वही इंटरव्यू है जो उसने कस्टडी के दौरान दिया था। लॉरेंस ने अपने दूसरे इंटरव्यू में जेल के अंदर से इंटरव्यू देने का सबूत भी पेश किया था। उसने अपनी बैरक भी दिखाई थी और बताया कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, मगर मोबाइल भी उसके पास आ जाता है और सिग्नल भी। लॉरेंस ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान कहा था कि रात के समय जेल के गार्ड बहुत कम आते जाते हैं और इसीलिए वो रात को कॉल कर लेता है। लॉरेंस ने मोबाइल के अंदर आने के बारे में भी जानकारी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक मोबाइल बाहर से जेल के अंदर फेंक दिए जाते हैं। कई बार जेल स्टाफ उन्हें पकड़ भी लेता है, मगर अधिकतर बार मोबाइल उस तक पहुंच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।